कितने वर्षों तक मैंने आपकी सेवा की, आपको अपना गुरु माना, आपके हर आदेश का पालन किया, और आपने आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं एक साधारण मनुष्य, ईश्वर में आस्था रखने वाला, क्यों मुझे असुर बनाया? क्यों बनाया मुझे दंश? इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूं मेरे दंश। छोड़ दो मुझे, क्या क्या चाहिए आप लोगों को? क्यों लाए हो मुझे यहां? मुझे फिर से मनुष्य बना दीजिए गुरु शुक्र। मुझे अपने परिवार से मिलना है, अपने बच्चों के पास जाना है। असंभव है, तुम्हारे अंदर सब कुछ बदल चुका है, तुम्हारा हृदय, तुम्हारा एक एक कण सब असुर है। अब तुम्हें कोई भी मनुष्य नहीं बना सकता, तुम नहीं बदल सकते। पराक्रम, ये हमारी अंगूठी ढूंढने के कार्य की अगुवाई करेगा, परंतु इसे पूर्णता असुर बनना होगा। आपका अंश दंश में उतारना होगा। मत कीजिए ऐसा प्लीज। कौन हो तुम? क्या अस्तित्व है तुम्हारा? मैं दंश। तुम अमल नंदा नहीं बन सकते, तुम दंश हो, केवल दंश, और सदा के लिए दंश रहोगे। एक महासुर जिसे कोई मनुष्य नहीं बना सकता। दंश के नाम से ही तुम्हारा हृदय धड़कता है। तुम जीवित हो तो दंश हो, मृत्यु को प्राप्त होगे तो भी दंश रहोगे, क्योंकि असुर श्रेष्ठ का अंश सदैव तुम्हारे अंदर रहेगा। अंधकार ही तुम्हारा जीवन है और यही तुम्हारा सत्य है। कालांतर से इच्छा थी हमारी की अंगूठी को स्वयं भोलेनाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त हो, परंतु जो भी बलिदान हमने दिया उसका क्या लाभ? महादेव ने तो एक बार फिर अपनी शक्ति प्रदर्शित कर दी। एक बार फिर बड़ी चुनौती असुर राज के सामने आन खड़ी है। राज करना तो दूर, जीवित रहना भी कठिन हो जाएगा। प्लान भले ही शुक्राचार्य ने बनाया, लेकिन इस पूरे यूनिवर्स में सिर्फ एक ही का प्लान चलता है, उनका, महादेव। उन्हें शुरू से पता था कि शुक्र का क्या इरादा है, इसीलिए उन्होंने इस अंगूठी को छुआ, और असुरु की बनाई हुई अंगूठी से ही असुरु की बैंड बजेगी। ये था महादेव का प्लान। एक नहले पे दहला हो गया मन, शुक्र को लग रहा था कि वो जीत गया, और भैया महादेव के आगे किसी की इच्छा नहीं चलती, है ना बॉस? हर हर महादेव। अब ना भोलेनाथ इस अंगूठी को वापस असुरों के पास नहीं जाने देंगे। तो अब तो बेटे लाल,
तुम्हारे तक ये अंगूठी पहुंचना भी उन्हीं का ही प्लान है और वो जानते थे कि तुझे सीखने की जरूरत है, इसलिए मैं आया तुझे सिखाने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए, इस रिंग के लायक बनाने के लिए, काबिल बनाने के लिए। बहुत वीर बन के तू जी लिया, अब वीर से महावीर बनना है। ये क्या बोल रहा है तू? चोजन वन, महादेव का प्लान, ये सब मुझे थोड़ा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी बोल रहा है तू यार। Why you wanted this ring? अपने पापा को ढूंढने के लिए? क्यों? हाँ तो उसमें प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी कि तू पर्सनल हो रहा है, तो सिर्फ अपने पापा को ढूंढ रहा था, जबकि इस रिंग से तू बहुत कुछ कर सकता था। लेकिन नहीं वीर, तू एलियंस के पीछे जाने लगा और उन्होंने तेरे इमोशन को यूज करके तुझे ही बेवकूफ बना दिया, तुझे पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि तेरी लड़ाई पर्सनल थी, तू अपने प्लान से अटैच्ड हो गया था कि तुझे कुछ और दिख ही नहीं रहा था। पापा को ढूंढने का आइडिया मिल गया है बंटू। है कौन ये? पापा का सिग्नल। सॉरी जरा, मुझे जाना होगा। बेटेलाल, जब गन हाथ में होती है ना, तो उसकी सबसे बड़ी ताकत पता है क्या होती है? कि उसे चलाना ना पड़े, रिस्पॉन्सिबिलिटी से यूज किया जाए, जो तूने नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो तूने किया वो गलत किया, तूने लोगों को बचाया एलियन से। तूने एक बच्चे को उसकी मां से जुदा होने से बचाया। तूने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दी ताकि सब लोग की जान बच सके, बट इतना काफी नहीं था वीर। ये रिंग चाहिए ना तुम्हें? मैं देता हूं तुम्हें ये रिंग। ऐसी नौबत क्यों आने दी जहां पर तुझे अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करनी पड़ गई कि लास्ट मोमेंट में तूने रिंग उठाकर एलियंस को दे दी? ये पूरी दुनिया तेरा परिवार है और तुझे इनके लिए खड़ा होना होगा वीर। ये रिंग ऐसे ही उड़ के तेरे हाथ में नहीं आई और तू ऐसे ही इस रिंग को किसी को भी नहीं दे सकता। ये सब तुम मुझे क्यों समझा रहे? तुम कौन हो? शिवाय, नाम याद कर लो। याद हो गया है मुझे नाम, अभी काम की बारी है, मुझे सब कुछ डिटेल में जानना है, तो बताओ। बोला तो कि मैं तेरा गुरु हूँ, अब कितनी डिटेल्स चाहिए? आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस लाके दूँ क्या? हाँ चल ठीक है, मैं बताता हूँ। मैं हूँ शिव भक्त और मैंने पाप के ऊपर पुण्य को चुना है और बुराई के ऊपर अच्छाई। और तुझे पता है मुंबई में जो कुछ भी हुआ ना, वो कुछ नहीं था, इससे बड़ी वॉर आ रही है जिसके लिए तुझे तैयार करने भेजा है मुझे भोलेनाथ ने। यारा ये देखो, यही मौका है बंटू। Let's go. भोलेनाथ ने भेजा है तुझे। मैं सब कैसे मान लूं? अरे यार, देख रहे हैं बॉस, एनर्जी वेस्ट कर दी, पूरी कहानी सुना दी, लेकिन ये अभी तक अपने पुचल्ले सवालों पे लटके हुए हैं। ये ऊपर देखकर तू किससे बातें करता है? ये क्या मस्करी है? ऊपर देखते देखते तेरी गर्दन में दर्द नहीं होता? ऊपर है कौन? कौन है वो? बता दूं कौन है वो? वो जो सर्वव्यापी है, शक्तिशाली, शून्य भी वही, इकाई भी वही,
सत्य भी वही, धर्म भी वही, जो तुझ में है, जो मुझ में, जो पूरे ब्रह्मांड में, वो जिसमें ब्रह्मांड है, जिसकी ना कोई शुरुआत है, जिसका ना कोई अंत, अग्नि भी वही, वायु भी वही, बनाने वाला भी वही, महाविनाशी भी वही, वैरागी भी वही है और ज्ञानी भी वही है। ओ कुछ बोलूं क्या? अपनी जिम्मेदारी समझ में आ गई ना? ये जो जर्नी थी ये मेरी ट्रेनिंग थी। मतलब अब हमारी ट्रेनिंग खत्म? अभी तो शुरू हुई है। ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ, इस चैप्टर का नाम था इंट्रोडक्शन। तू मुंबई चल, वहां पे और भी चैप्टर खुलने वाले हैं। मतलब तू अब मेरे साथ मुंबई आएगा? नो वे। शिवाय से पीछा छूटा। तू यहाँ कैसे? यार तू बड़ा अजीब है। तुझे ये जीप कहाँ से मिली? मेरी है। अच्छा, मेरे पास एक और तरीका है तुझसे दूर भागने का। बेटे, गायब हो जाऊंगा मैं। इसे ढूंढ रहा है क्या? ये तेरे पास कैसे आई? जब तू भाग रहा था। कोई बात नहीं, लेकिन तो मुझसे अटैच हो चुकी है। बोल मान। तो तेरी प्रॉब्लम है, तू सुनता कम, और यही तुझे मुझे सिखाना है। ये रिंग किसी से भी नहीं रुकनी चाहिए, मेरे से भी नहीं। अरे तू, रिंग तेरी है। जब तू पावरफुल बन जाएगा ना, महावीर बन जाएगा ना, तब ये रिंग अपने आप तेरे पास जुप से आएगी। फिर मैं भी इस रिंग को नहीं रोक पाऊंगा। क्या बॉस, ये किसे लगा दिया आपने मेरी ट्रेनिंग कराने के लिए? सॉरी बॉस, थोड़ा कठोर बनना पड़ता है। Thank you.
इंजेक्शन नहीं लगाते ऐसे। ए चुप। अरे ऐसे नहीं होता। ये क्या किया आपने? अभी भाऊ को जाकर अपन लोग बताएंगे ये। उनको बहुत खुशी होता है। डॉक्टर साहब आप हैप्पी रहिए। इविल है ये। इविल बोले तो? गलत गलत कर रहे हो तुम सब लोग। हम लोग दिन रात छोड़कर लोगों की हेल्प करते हैं और आप हमारे साथ ही ऐसा कर रहे हो। ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा ये। क्यों नहीं चलेगा? कोई आने वाला है? हीरो या उसका भूत? तुझे पता है मेरी छोटी छोटी एंग्री बर्ड्स स्वीटी और मीठी मुझे इतने दिनों के बाद देखकर कितना रोएंगी। बाल्टी भर 15 लाख सवाल पूछेंगी मुझसे, जान निकालने की। तुझे पता है अपनी दो छोटी बहनों को समझाना कितना मुश्किल होता है? ऊपर से वो बंटू, उसने तो थालियों में इंपोर्टेड गालियां सजा के रखी होंगी। मेरे कानों में से खून निकाल देगा। और सारा? क्या जारा? अरे मिस्टर आशिक, इतनी भूमिका तो यहाँ तक पहुँचने के लिए तो बांध रहा था। बोल बोल, शर्मा मत। तुझे सब मजाक क्यों लगता है? तुम शिवाय जैसे लोग और भी होते हैं क्या? मतलब इस दुनिया में तुम्हारे जैसे और भी लोग होते हैं क्या? ये सही क्या तूने? पहनना चाहिए, ड्राइव करते रहो, सेफ्टी के लिए अच्छा होता है। वैसे ये तो एक्सीडेंट से बचाती है, देखते मेरे से बचा पाती है नहीं। एक्चुअली तेरे से बचाने के लिए ही पहना हुआ है मैंने इसे। मेरे सर को जो तूने पंचिंग बैग समझ लिया ना, जब देखो तब बजा देता है। एक काम कर, तू ना इसे टेस्ट ही कर। आजा मार, आजा। हाँ, पक्का? मारना। चल ठीक है फिर। मारना, आजा। छोड़ दिया, गार्दे नहीं मारूंगा। हाँ। एक काम कर, इधर रास्ता देखकर गाड़ी रोक दे, मुझे सबके लिए गिफ्ट खरीदने हैं। और हाँ, मेरा वॉलेट खो गया, इसलिए पैसे तू देगा उधार। बोल लिया? हाँ, अब सुन सुन, क्योंकि तू सुनता नहीं है। जब तक तेरी ट्रेनिंग खत्म नहीं जाती, ना तू बंटू से मिलेगा, ना जारा से मिलेगा, ना स्वीटी मीटी से मिलेगा। तुझे अकेले रहना पड़ेगा। What? अरे वो दोनों छोटी छोटी हैं, परेशान हो रही होंगी। ट्रेनिंग का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि हम अपनी फैमिली छोड़ दें। मुझे उनके साथ रहना है, बात खत्म। राजा दशरथ, उन्हें भी अपने बेटों की जरूरत थी, लेकिन राम और लक्ष्मण दोनों कहाँ गए? महर्षि वशिष्ठ के पास ट्रेनिंग के लिए। लौट कर आए, कर्म चुना उन्होंने अपना। अरे वो भगवान है भगवान, मैं इंसान हूँ, क्या कंपैरिजन कर रहा है ये? और तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे तूने खुद गुरु वशिष्ठ को असिस्ट किया हो। मेरी एज दिखने लगी है क्या? हाँ, तेरी बातों से तो ऐसा लगता है जैसे तू कम से कम 10,000 साल का है ना? 10,000 साल नहीं, लेकिन 2500 का तो होऊंगा मैं। गाड़ी रोक, रोक गाड़ी, मैं कह रहा हूँ ना। तू मुझे मेरी फैमिली से मिलने से नहीं रोक सकता है, समझा? अच्छा देख, तू जो कहेगा वो सब कुछ मैं करूंगा, पर अपनी फैमिली से दूर रह के नहीं। अरे ओ बिन घुंघरू के झुमरू, इतना सेंटी होना बंद कर। सिर्फ एक सिटी नहीं, पूरी दुनिया को तेरी जरूरत है, समझा? इसलिए फोकस कर। सुपर हीरो बनना है ना, तुझे फोकस करना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अरे फोकस तब आएगा जब फैमिली मेरे साथ होगी, फैमिली डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है। पत्थर दिल कहीं का? पत्थर नहीं, डायमंड, डायमंड। मेरा दिल डायमंड का है,
स्ट्रॉन्ग है डायमंड। तेरा दिल ना राक्षसों वाला है, एलियन वाला, जीरो फीलिंग। जो मानना चाहते हो मानो, लेकिन एक बात सुन लो, यहां से तुम नहीं जा पाओगे इसकी गारंटी मैं देता हूं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।